नमस्कार। एक नया विषय जो शोध का विषय भी है, हमारे जितने भी दर्शक और सब्सक्राइबर हैं सब ज्ञानी और बुद्धिमान तथा ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विशेषज्ञ हैं। उन सब को इस बात की खुशी होगी क्योंकि हमने जो शोध किया है इस बात का आपको अवगत कराना परम आवश्यक है। सृष्टि के अंदर ग्रहों की चाल समय समय पर चलती रहती है, लेकिन अब हम यहाँ धनु राशि की बात कर रहे हैं। सिर्फ धनु राशि पर बात होगी। और क्या इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि इसको ज्योतिष शास्त्र में स्थान परिवर्तन और विपरीत राजयोग की संज्ञा भी दी गई है। कुंडली के अनुसार विपरीत राजयोग किस प्रकार से देता है फल, ये कुंडली के ग्रहों के ऊपर आधारित भी होता है, लेकिन यहां हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि जिस तरह के ग्रहों की चर्चा हम कर रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री 17-18 साल तक जिन्होंने शासन किया भारत सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी कुंडली का अध्ययन बड़े बड़े विशेषज्ञों ने किया और उसमें पाया लास्ट में कि विपरीत राजयोग राशि परिवर्तन के कारण 100 देशों से अधिक लोगों राष्ट्राध्यक्ष उनका सम्मान करते थे। वो इस कारण से, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर स्थान परिवर्तन या विपरीत राजयोग के समस्त लक्षण विद्यमान थे। उसी को आधार मान करके हम बात कर रहे हैं। 6 नवंबर 2025 यही वर्ष है, 6 नवंबर 2024, और ये स्थिति, ये पोजीशन इतनी सुंदर होगी कि उस दिन शुक्र का आगमन धनु राशि पर होगा। तो धनु राशि पर होगा तो होगा, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। ग्रह वृश्चिक पर आएगा तो धनु पर जाएगा, लेकिन यहां नहीं है। नया विषय और नई बात क्या है? नई बात, नया विषय यह है कि वृषभ राशि पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान हैं और ऊर्जा, जिस प्रकार से ऊर्जा का संचरण होता है, ठीक इसी प्रकार वृषभ राशि को अलंकेश, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो अलंकृत करने के लिए धनु राशि को उद्यत है, तैयार है और एक नई विशेषता लेकर के आ रहा है। अगर वृषभ राशि पर बृहस्पति ना हो तो हम यहां पर शुक्र के स्थान परिवर्तन की चर्चा या विश्लेषण उल्लेख नहीं कर सकते, या ये बात बेईमानी होगी। ऐसी स्थिति में जब धनु राशि चतुर्थ और दशम भाव में राहु और केतु के दंश यानी कि उनके द्वारा उत्पन्न मनः स्थिति को अव्यवस्थित अनियमितताओं के कारण मानसिक ताप और संताप को झेल रही है धनु राशि, ऐसी स्थिति में धनु राशि को पूर्ण सौभाग्य देने के लिए, अलंकृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वर्ण रत्न आभूषण तथा मान सम्मान के साथ छठे भाव का जो स्वामी होगा वो इतनी अच्छी पोजीशन में होगा, क्योंकि यहां से अष्टम और यहां से तीसरा भाव है। लेकिन ये लग्न पर आ गया है, लग्न पर आने के कारण और बृहस्पति इसका इस परिक्षेत्र में, इनकी ज्यूरिडिक्शन में है वृषभ राशि के, तो ऐसी इस पोजीशन को विपरीत राजयोग स्थान परिवर्तन के कारण माना गया है, ये विषय हुआ। साथ ही साथ अब हम इन इसकी गणना भी करेंगे। आप देखेंगे राहु और केतु जो ग्रह होते हैं, इनका नियम और सिद्धांत और कानून ये है, जिस राशि पर बैठ जाते हैं
वैसा ही फल देने लगते हैं, क्योंकि इनकी कोई आकृति नहीं है, इनका कोई खगोलीय अस्तित्व नहीं है, अखिल ब्रह्मांड के अंदर इनका कोई उपग्रह के रूप में आकृति नहीं है, इनके ऊपर कोई सैटेलाइट आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं भेजी है, इनका ये केवल छाया मात्र है। परंतु इनको हम एक तरफ छोड़ दें, इनको हाशिए पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रभावकारी और प्रभावशाली ग्रहों के रूप में केंद्र में इस समय चल रहे हैं। इसका जो स्वामी है, इसका स्वामी अपने से तीसरे है, और इसका स्वामी अपने से तीसरे, ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहां पर छठे भाव में अब कमजोर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थिति शुक्र की है वही स्थिति और परिस्थिति बृहस्पति की भी है। तीसरे भाव में, ये तीसरा भाव पराक्रम, जितना पराक्रम यहां शुक्र को मिल रहा है उतना ही पराक्रम यहां बृहस्पति को भी मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखिए षडाष्टक की सिचुएशन को समझिए, यहां से शुक्र अष्टम है तो यहां से शुक्र छठे भाव में है, छठा और आठवां की कॉम्बिनेशन। अब एक नई चीज ये है कि आपके राहु और केतु के जो प्रभाव है, इनके जो साइड इफेक्ट है नौकरी व्यवसाय से संबंधित, वो अलग एक विषय, नया विषय है। प्रॉपर्टी विवाद से लेकर माता को कष्ट तथा अशांति, तनाव, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम और नौकरी जॉब व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का दौर इन ग्रहों के कारण अभी चलेगा। कब तक? 18 मई 2025 तक। लेकिन उससे पहले देखिए क्या पोजीशन बन रही है। इसी वर्ष धनु का पूरा वर्ष निकल जाएगा राहु केतु के कारण, लेकिन अगले वर्ष बृहस्पति आपके केंद्र में होगा और केंद्र का बृहस्पति धनु को देखेगा। लेकिन फिलहाल हम ऊर्जात्मक जो बात, जिस विषय को लेकर के आए हैं, उसको एक बार और विशेष चर्चा करते हुए कि ये शुक्र और बृहस्पति का जो समावेश एक दूसरे की राशि को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देकर स्थान परिवर्तन योग जो बना है, यहां पर ऊपर दिया गया है कि वृषभ में बृहस्पति और धनु में शुक्र, ये एक विपरीत राजयोग का लक्षण शास्त्रों में लिखा है और कहा गया है। यही कारण है कि मैंने आपको एक उदाहरण के साथ देकर समझाया। अब हम आपकी राशि के पराक्रम की बात करेंगे। तीसरे भाव में बैठे हुए जो बृहस्पति, छठे बृहस्पति लेकिन तीसरा शनि, तीसरे भाव का मूल त्रिकोण में बैठ करके जो शनि है, आपके पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाता है। यही कारण है कि ऐसी पोजीशन में जो धनु राशि है बड़े बड़े चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। और साथ ही साथ अब आपको नया विषय जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी और वो लाभ स्थान में होगा, मान सम्मान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, इंक्रीमेंट, तरक्की, प्रमोशन, पैसा आना सरकार से लाभ, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा की है इस संसार में भाग्य वृद्धि, राजयोग, मान सम्मान, आपकी किस्मत कैसी होगी, राजा और महाराजाओं के बच्चे कैसे राजयोग प्राप्त करते हैं या आप कैसे प्राप्त करोगे, ये तीन भाव तय करते हैं, नौवा, दसवा और ग्यारहवा। तो इन यहां पर ये मजबूत और ये मजबूत तथा जो स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन बृहस्पति और शुक्र का है, ये आपके लिए अनमोल अच्छे फल देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।